हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं इंस्टाग्राम में एक स्टोरी पोस्ट किया था अबाउट ऑनलाइन लोन और आप लोग ने मुझे बोले थे हाँ आप लोग को चाहिए वीडियो ऑनलाइन लोन के बारे में। कैसे मीन कोई अच्छा अच्छा कंपनी होता है जो लोन देते हैं और कोई कंपनी ऐसा ही भी है जो आपको लोन तो दे देंगे उसके बाद आपको ब्लैकमेलिंग करेंगे, हमको इतना पैसा दो नहीं तो हम आपको एक्सपोज करेंगे, आपका जितना कॉन्टैक्ट है उसको कॉल करेंगे, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ होता है। तो आज उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। एक्चुअली रिसेंटली मेरे साथ ऐसे ही हादसा हुआ है, तो मैं कटक में जो हमारा क्राइम ब्रांच है वहाँ पर जाकर कंप्लेन किया हूँ उन लोगों के नाम में। एंड मेरा एक दोस्त है, छोटा भाई है हिमांशु, वो भी एक 5-6 दिन पहले एक इस टाइप का एक लोन का लोन में फंसा हुआ है। तो ठीक है चलो चलते हैं उसके पास हिमांशु स्टूडियो, वहाँ पे जाकर बात करेंगे कैसे क्या उसको कैसे लोन मिला है, वो कैसे लोन अप्लाई किया है। मैं भी मेरा स्टोरी बोलूँगा मैं कैसे लोन अप्लाई किया हूँ, वो एप्लीकेशन में मुझे कैसे मिला है, वो सब बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है स्टे ट्यून विथ मी, चलिए अंदर चलते हैं हिमांशु स्टूडियो के अंदर। अभी मैं आ गया हिमांशु स्टूडियो, देखते हैं हिमांशु क्या करता है। अरे हिमांशु कहाँ गया? अंदर है। अंदर है? हाँ। अभी मैं आ गया हूँ हिमांशु स्टूडियो और हिमांशु भी मेरे साथ है। तो एक्चुअली एक महीने के पिछले हो गया होगा, एक महीना करीबन वो अक्टूबर महीने में मैं बैंगलोर में था। तभी ऐसे ही नॉर्मली इंस्टाग्राम में मैं चेक कर रहा था ये स्टोरीज वगैरह, फिर स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, तभी मुझे एक आया है, मतलब जो इंस्टाग्राम में जो आता है ना ये एडवर्टाइजमेंट, वो एक आया है मेरा का इंस्टा सालाई नाम है एप्लीकेशन है वो आया एप्लीकेशन। तो मैं उसको चेक करने के लिए गया हूँ, तो वहाँ पर डाउनलोड किया एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद मैं ऐसे ही मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स फेस करने के लिए वो परमिशन पूछता है वो सब अप्लाई किया। वो अप्लाई करने के बाद मैं उसका जो फोटो हो गया गैलरी ये करने के लिए, मेरा पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स ये सब देने के बाद मैं चेक कर रहा था कितना लोन अमाउंट मुझे कितना देने वाले हैं वो लोग। तो मैं वहाँ पे देखा मुझे करीबन 12,000 रुपये, राइट, 12,000 रुपये मुझे 12,000 रुपये मुझे वो लोग दिए थे और मुझे और मेरा अकाउंट में वो आएगा चार्जेस वगैरह कट कर 9,000 समथिंग। तो वहाँ पे एक बटन था अप्लाई, तो मैं वहाँ पे मैं बोला यार 12,000 में 9,000 रुपये चार्जेस में नहीं, 12,000 में 3,000 रुपये चार्जेस देने के लिए रुक गए। हाँ 12,000 में 3,000 रुपये चार्जेस है, मतलब करीबन मेरे अकाउंट में 9,900 समथिंग कुछ आएगा, तो इसलिए मैं उसको अप्लाई नहीं किया। तो बट उसका उसके बाद आपको अनइंस्टॉल कर दिया, तो थोड़ी देर बाद उनका अकाउंट में 9,000 समथिंग अमाउंट आ गया। 9,000 समथिंग आ गया। तभी मेरा उसके बाद एक हफ्ता गया नहीं, वो था ना 9,000 आने के बाद मुझे पता नहीं चला कैसे पैसा कहाँ से आया, क्योंकि मैं तो अप्लाई नहीं किया था। और हिस्ट्री में जो अकाउंट का सेक्शन में हिस्ट्री में कोई कंपनी का नाम भी नहीं था, तो कैसे हमको पता नहीं चला अमाउंट कहाँ से आया, कहाँ से तो उस अमाउंट को हमने होल्ड कर दिया। तो इसलिए मैं वो अमाउंट ऐसे ही कुछ नहीं किया, ऐसे ही अकाउंट में था मेरा। तो उसका थोड़ा दिन के बाद 7-8 दिन के बाद करीबन 7 दिन के बाद एक कॉल आया मुझे, ये सुबह 7 बजे या 7:30 बजे कॉल आया जे आपका लोन अमाउंट 16,400 रुपया मुझे पे करना था। मैं बोला क्यों? वो मुझे बोले नहीं तुम 9,000 रुपये लोन लिए थे।
आप एक बार सोचिए, 7 दिन का 12,000 रुपया का, 12,000 नहीं 9,000 रुपया वो आया था मेरा अकाउंट, 9,000 का 7 दिन में 16,000 रुपये वो लोग चार्ज किए थे। तो हम बोले हम इतना पैसा नहीं देंगे, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर वो एप्लीकेशन में उसका रिव्यू देखा, तो रिव्यू में वो लोग क्या मेंशन था, हम 9,000 रुपये देंगे एक महीने के बाद, 9,500 समथिंग रुपये हम उसको पे करेंगे विथ GST, 18% GST मिलाकर वो 500 समथिंग रुपये इंटरेस्ट है उन लोगों का। तो मैं वो वाला स्क्रीनशॉट लेकर उन लोगों को व्हाट्सअप किया, मैं बोला देखो आप लोग ये वाला मैसेज, आपका तो प्ले स्टोर में ये लिखा हुआ है जे हम मैं तुमको एक महीने के बाद इतना दूंगा। तो वो बोले नहीं ऐसे नहीं होगा ऐसे, बहुत मैंने गाली देना शुरू किए, तो तभी मेरा ऑफिस में था। तो मैं क्या क्या, मैं बोला ठीक है फाइनल रेट क्या मैं दूंगा, वो बोला फाइनल रेट ये रेट बोलिए। तो वो लोग मुझे बोले आप 9,000 रुपये लिए हो, एक वीक हुआ है, आप हमको 9,000 रुपये पेमेंट कर लो, हम आपका जितना डिटेल्स है सब डिलीट कर लेंगे। तो मैं ठीक है, मैं उसके बाद 9,000 रुपये उन लोग को पे कर लिया। पे करने के बाद फिर मुझे बोले नहीं और 2,600 समथिंग रुपये हमको पे करो। मैं बोला क्यों, वो मुझे बोले नहीं आप लोन क्लोज कर, लोन जो लिए थे अकाउंट क्लोज करने के लिए, आपका जो डाटा है हम डिलीट करने के लिए और लोन को क्लोज करने के लिए 2,600 रुपये समथिंग हमको दो, हमको और ज्यादा देने, मैं उन लोगों को ज्यादा देने वाला था। तो हम बोले नहीं हम एक पैसा नहीं देंगे, जो करना है करो। तो फिर वो लोग मेरा मम्मी को कॉल किए, क्योंकि मेरा फोन एसेसरी से वो हैक कर लेते हैं, अकाउंट नंबर, फोन नंबर डिटेल्स और फोटो गैलरी का डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, वो सब उनके मोबाइल में चला गया था, उनका सिस्टम में चला गया था, जो हमारा प्राइवेट डाटा था उनके पास चला गया, मेरा फोटो वगैरह सब सब कुछ। तो इवन मेरा फोन का जो नेट चल रहा है, उसका कौन सा मोबाइल में पकड़ रहा हूँ, मेरा IP एड्रेस क्या है, वो सब कुछ आपके आपका वो कंट्रोल कर रही है, वो कंट्रोल नहीं, वो कंट्रोल नहीं उन लोग के पास था। हाँ। तो वो मुझे बोले देखो आप ये पैसा दो, नहीं तो हम एक मैसेज देंगे आपका जितना व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट है, जब आप चोर हो ये हो वो हो। हम बोले भाई आप जो करना है आप करो, बट हम आपको एक भी पैसा नहीं देंगे। तो उसके बाद मेरा मम्मी को कॉल की, वो कॉल करने के बाद थोड़ा गाली देना, मीन थोड़ा गाली मतलब ऊंची आवाज में बात की, और थोड़ा गाली वगैरह भी दी आई थिंक, मतलब मुझे इतना पता नहीं, मम्मी कुछ बोले नहीं मुझे, मम्मी सिर्फ इतना बोले एक अननोन नंबर से कॉल आया था, तुम किससे लोन लिए थे क्या, ऐसे मेरा मम्मी ने मुझे बोले। आंटी को फोन आया तो उनको गाली वगैरह किया कि ऐसा लोन लिया था तुम पे कर लो, नहीं तो हम तुम्हारा फोटो वगैरह वायरल कर देंगे। तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ 10 दिन के अंदर हुआ है। इंस्टा में चेक कर रहा था तो मेरे को आया, मैंने उसका थोड़ा दिखा था क्या है, तो उसके बाद मेरे अकाउंट में 2,500 रुपया आ गया। तो 7 दिन के बाद मेरे को कॉल आया 2,500 के बदले तुम उसको 12,000 रुपया। तो मैंने बोला 12,000 रुपया कैसे, मैं भी उनका आपको जाके, मैंने अप्लाई नहीं किया था, मेरे अकाउंट डिटेल्स में कुछ भी नहीं दिया था, बस मैंने लॉग इन किया था, मेरा मेल आईडी देकर लॉग इन किया था, उसके बाद मेरा एसेसरीज मोबाइल में जो भी डाटा वगैरह है वो सब उनके पास चला गया था। तो उन्होंने क्या किया, मैंने बोला नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मेरा फोटो में मेरे गले को काट के दूसरा कोई आदमी का गले में लगा के ब्लू पिक्चर बना के मेरे को ब्लैकमेलिंग करना शुरू किए, तो हमको पैसा दो नहीं तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर भेज, वो 4-5 मेरा कॉन्टैक्ट नंबर को भेज चुके, तुरंत भेज दिया, नहीं पैसा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तुम पैसा दो मेरा तुम्हारा मेरा 16 से कितना कॉन्टैक्ट है, वो बोले कि मैं हम दे दूंगा उनको। तो मैं उनको पेमेंट दे दिया, उनको देने के बाद मैंने क्राइम ब्रांच में उनके नाम में एक FIR दायर किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। उसका पहले भी एक्चुअली उसका पहले भी मुझे नोटिस वगैरह आया व्हाट्सएप में, गाली वगैरह मेरे को भी आया था, नोटिस वगैरह मेरे को भी आया, मुझे एक फेक नोटिस जो एक होता है उसको नेट से डाउनलोड किए और मुझे फॉरवर्ड किए, मुझे फॉरवर्ड किए और एक RBI का कोई नोटिस, ये सब फॉरवर्ड किए, क्योंकि हम लोग डर जाएंगे और डरने के बाद मैं उन लोगों को पेमेंट दूंगा। और उसके बाद एक नोटिस आया कि आप जाकर नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है आपका वहां पे जाकर आप ये पुलिस के पास जाओ, नहीं जाओ तुम जो करना है करो, ये बट हमारा पैसा हमको दे दो, उनके बाद तुम जो करना है करो, नहीं तो हम नहीं ऐसा नहीं, एक्चुअली वो मुझे मैसेज मीन एक नोटिस आया था, उनको नोटिस आया था ऐसा, मेरे को नोटिस आया था कि तुम पैसा दे दो उसके बाद तुम पुलिस स्टेशन जाके जो करना है कर लो, नहीं तो हम तुम्हारा तुम पुलिस स्टेशन के जाने के अंदर हम सब तुम्हारा ब्लू पिक्चर जो बना है वो तुम्हारे सारे कॉन्टेक्ट नंबर को छोड़ दूंगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था। ओके, बट मेरे साथ ये हुआ था, मुझे आया है नोटिस जे आप जो तुरंत जाकर आपका पुलिस स्टेशन जो है नियरेस्ट उसको मीन वहां पे जाकर मीन वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए, एंड उसके बाद मैं गया हूँ मेरा पुलिस स्टेशन,
तो मैं मेरा जो जितना डिटेल्स है आप लोग के साथ जो ये किया हूँ शेयर कर रहा हूँ, मैं सब पुलिस को बोला, तो पुलिस बोले ठीक है ये एक्चुअली क्राइम ब्रांच का केस है, तो आप एक काम करो आप क्राइम ब्रांच में जाकर ये रिपोर्ट कर लो। तो मैं उसके बाद मैं क्राइम ब्रांच गया कटक में जो है ये CID, और वहाँ पे जाने के बाद मैं जब मेरा FR कॉपी उन लोगों को दिया, ये बोले नहीं ऐसे बहुत होता है, एक्चुअली तुमको वो 9,000 रुपये देना भी नहीं चाहिए था और तुमने फोन पे से क्यों दिया, ठीक है वो कोई अननोन नंबर आएगा, आप कॉल ये रिसीव मत करो। उसका तुरंत एक कॉल आया, तो मैं वही पुलिस स्टेशन में था, तो मैं वही पुलिस वालों को दे दिया। पुलिस वाले थोड़ा उन लोगों को चकमा दिए, मतलब थोड़ा धमकाए डराए, तो उसके बाद हो गया मीन, और कोई कॉल वगैरह नहीं आ रहा है मेरे पास, और अभी भी मैं एप्लीकेशन वो जाकर प्ले स्टोर में देख रहा हूँ, एप्लीकेशन प्ले स्टोर में नहीं है। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, देखो लोन तो हर किसको चाहिए, आप जब ऑनलाइन लोन ले रहे हो ना, पहले आप चेक करो वो एप्लीकेशन उसका रिव्यू क्या है, क्योंकि नहीं तो देखो आप एप्लीकेशन का डिटेल्स चेक करो, वो क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है, कितना रुपया रिफंड लेने के लिए वो नोटिस में उनका जो आप में होता है और कितना वो, लोग डाउनलोड किए हैं। हाँ वो कितने लोग डाउनलोड किया, कितने लोग को कितना परसेंट रिव्यू दिया है, उनका कमेंट क्या आता है, वो सब जानकारी जानने के बाद ऑनलाइन लोन अप्लाई कीजिए, नहीं तो नहीं तो ऐसे हमारा जैसा तुम भी उसी शिकार हो जाओगे। तो इसलिए मुझे लगा नहीं ये एक वीडियो बनाऊंगा वो आप सोशल लोग। मीडिया में कुछ लोग वो हमारा वीडियो देख के वो थोड़ा रुक जाएंगे, जो पैसा तो सारे सारे सब सब लोगों को जरूरत है, तो थोड़ा रुक जाओ। तो इसलिए तो मुझे लगा नहीं ये वाला वीडियो बनाएंगे ब्लॉग में छोड़ेंगे, ताकि लोगों का हेल्प हो, जो लोग पैसा के लिए मान लो अनस्पन्स कोई भी एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लेते हैं, अपना डिटेल्स वगैरह दे लेते हैं वहाँ पर। तो इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हर किसी को, प्लीज़ जितना भी होगा ये वीडियो शेयर करो, एंड जितना होगा लोगों के पास जाएगा, लोग ये वीडियो देखेंगे क्या हुआ था हमारे साथ, तो वो लोगों के पता चलने के बाद शायद लोगों का जो अनबन जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो सब डाउनलोड करना बंद कर लेंगे, हमें भी लोगों का हेल्प हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अब देखो नॉर्मल जो कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो ना, उसका कस्टमर केयर नंबर देखो, वो कस्टमर केयर नंबर है कि नहीं। मैं जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया उसका कस्टमर केयर नंबर नहीं था, और एटलीस्ट मैं वो एप्लीकेशन में पैसा अप्लाई नहीं किया था, बिना अप्लाई किए वो मेरा अकाउंट में पैसा आ गया था। तो आपको अच्छा लगा तो वीडियो तो आप वीडियो शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम इस टाइप का वीडियो और ज़्यादा लेकर आएंगे। ठीक है, स्टिल देन टाटे, बाय बाय। बाय बाय।